नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा'स बिट्स एंड बाइट्स। आज बनाएंगे ये केले की फूल की रेसिपी। ये इसे बंगाली में हम लोग मोचा कहते हैं। तो इसे हमें छुड़ा लेना है, तो ऐसे केले के फूल को इस तरह से ऊपर की पत्तियां को हटा लेना है और अंदर में ये केले ये रहती है, तो इसे हमें छुरी से इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं, ये बहुत बड़ी है तो मैं आज पूरी नहीं बनाऊंगी, जितना चाहिए मैं इसे निकाल के रखी। अब इससे मुझे ये जो बीच में एक लंबी डंडी जैसी रहती है और ये एक, तो इसे मुझे निकाल लेना है। ये देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, ये बहुत आसानी से निकल जाती है, तो हमें इसे फेंक देना है। इस तरह से मैं सारे को निकाल लूँगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता जरूर है, पर यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो आप इसे जरूर खाएं। इसे हमें इस तरह छोटे छोटे कट कर लेने हैं, बस बहुत छोटे छोटे इस तरह से कट कर लेने हैं। और इसे आप ऐसे काट के ना छोड़े, ये बहुत जल्दी ही काली पड़ जाती है, तो हमें पहले से ही एक पानी में थोड़ा हल्दी डालकर रेडी करके रखना है। तो इसे मैं ये कटी हुई फूल को भिगो लूंगी, तब ये काली भी नहीं पड़ती है। अब कुकर में मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और नमक। अब ये कटी हुई फूल को मैं कुकर में डालकर मुझे एक विसल आने तक इसे पका लेना है। तो चलिए कुकर के लिड को बंद कर देते हैं और एक विसल आएगी तो मैं इसे बंद कर दूंगी। अब मैंने ले लिया है एक छोटी सी टमाटर, उसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और एक लिया है मैंने एक आलू, वो छोटी साइज की ही मैंने लिया है, तो इसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। अब इसके मसाले के लिए मैंने ले लिया है साबुत जीरा, इसे ड्राई ग्राइंड कर लूंगी और डालूंगी बस अदरक और दो मिर्च। तो इसे ड्राई कर लिया है, ये अदरक और मिर्च को भी मैं इसके साथ पीस लूंगी। तो ये मेरी पेस्ट रेडी हो गई है, इसमें ज़्यादा मसाले लगते नहीं है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब मैंने ले लिया है नारियल, उसे भी मैं मिक्सी में ही चला लूंगी। तो सभी चीज़ें तैयार हैं, तो अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल। अब देंगी मैं साबुत जीरा और एक तेज पत्ता। अब कटी हुई आलू को मुझे फ्राई कर लेना है, तो आलू को हमें कुछ देर के लिए फ्राई करना है। ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो मैं अब इसमें डाल दूंगी टमाटर, कटी हुई मैंने जो टमाटर काट के रखा था तो वो टमाटर मुझे डाल के इसे उसके साथ भी फ्राई कर लेना है। अब डाल दूंगी पेस्ट, जीरा अदरक का पेस्ट, और उसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, चाहे तो और थोड़ी सी मिर्च डाल सकते हैं। तो ये हमें मसाले अच्छे से चला लेना है, और मैंने मिक्सर को धोकर वो पानी भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मसाले को अच्छे से हमें पका लेना है। तो ये मसाले अच्छे से पक चुकी है और ये देखिए इससे तेल भी निकलने लगे हैं। तो अब मैंने जो बॉयल किया हुआ केले के फूल है उसे मैं पानी को ड्रेन ऑफ करके उसे इसमें डाल देना है। अब मसाले के साथ ये केले के फूल को अच्छे से थोड़ा पका ले रहे हैं और फिर मैं डालूंगी स्वादानुसार नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे ढक के कुछ देर के लिए पका लूंगी। तो ये केले के फूल की रेसिपी गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा मसाले पड़ता है, तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए वही रेसिपीज लाती हूँ जो मेरे घर में हर किसी को पसंद होती है, खाने में स्वादिष्ट भी होती है, तो आप टेंशन फ्री होकर ये रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। तो ये आलू अभी तक सॉफ्ट नहीं हुई है, तो मैं इसे कुछ देर के लिए और ढक दूंगी। तो कुछ देर में बीच बीच में मैंने खोल खोल कर चला लिया था, तो अब चलाते हुए अब ये आलू थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इस पर डाल दूंगी नारियल, पिसी हुई नारियल, तो इसके साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गरम मसाला नहीं डालना, तो ये अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ढक के हमें फिर से इसे पका लेना है। थोड़ी चीनी भी मैं ऐड करूँगी, ये थोड़ी मीठी मीठी ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। अब साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बातों ही बातों में ये मेरी रेसिपी भी बनकर तैयार है, काफ़ी ड्राई हो चुकी है, तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। आप भी ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।